जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में 12th पीसीबी के बाद कौन से कोर्स करने चाहिए जिनको करने के बाद जल्द से जल्द जॉब मिले, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज हो, अच्छा खासा हमारा जॉब प्रोफाइल हो। तो आज मैं आपको 10 ऐसे कैरियर ऑप्शन बताने जा रहा हूं, यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स को कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द से जॉब मिलेगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा और आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो वीडियो तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं 12th पीसीएम के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। साथियों, एक पीसीएम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि यदि आपने 12th पीसीएम से किया है तो आपके पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करने का ऑप्शन होता है जिनको आप 12th पीसीएम के बाद कर सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो साथियों, जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो है आपका बीटेक। आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, आप जेई के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जो आपकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है उनके एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे आप बीटेक सीएस से कर सकते हैं, आप सीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस आ गई हैं, जैसे आप डेटा साइंस में कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में आप कर सकते हैं, एआई में कर सकते हैं, आप आईटी में कर सकते हैं। तो यानी कि बीटेक सीएस में भी काफी सारी कोर ब्रांचेस आ गई हैं। इसके साथ साथ आप बीटेक मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। बीटेक कौन सी ब्रांच से कितनी जॉब है इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला है आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। बात करें साथियों दूसरे कोर्स की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। तो बात करें साथियों दूसरे कैरियर ऑप्शन की, यदि आपको कंप्यूटर की फील्ड में अपना कैरियर बनाना है और आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना और ज्यादा समय खर्च नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं। 3 साल का ये प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करके अपना कैरियर बना सकते हैं। जॉब ऑप्शंस काफी ज्यादा है, सैलरी आपकी काफी अच्छी रहेगी, तो आप बीसीए करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों तीसरे कैरियर ऑप्शन की, यदि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको मार्केटिंग की तरफ जाना है, फाइनेंस की तरफ जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीबीए कोर्स कर सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड एमबीए भी कर सकते हैं, यानी कि बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं, उससे भी आपका जो कैरियर है काफी अच्छा रहेगा, जॉब ऑप्शंस काफी ज्यादा होंगे, सैलरी पैकेज काफी अच्छा रहेगा। तो यानी कि आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं या फिर आप बीबीए कर सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ कैरियर ऑप्शन की, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनने का आपका सपना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, जिससे को करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं काफी ज्यादा हैं। बात करें साथियों फिफ्थ कैरियर ऑप्शन की, यदि आपको लॉ की तरफ जाना है, आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, जज बनना है, गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, आपको लीगल एडवाइजर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको लीगल एडवाइजर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, आप बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, आप बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों सिक्स कैरियर ऑप्शन की, तो सिक्स कैरियर ऑप्शन है साथियों आप फार्मेसी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि यदि आपको मेडिकल की लाइन में जाना है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप बी फार्मा या डी फार्मा करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसको करने के बाद आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिकल की फील्ड में अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या फिर मेडिकल में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। बात करें साथियों सेवंथ कैरियर ऑप्शन की, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसमें कैरियर भी काफी अच्छा है, तो आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप बीजेएमसी कर सकते हैं, उसको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों एट कैरियर ऑप्शन की, तो साथियों एट कैरियर ऑप्शन है आप होटल एंड टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप बीएचएम सिटी कर सकते हैं, इसको करने के बाद में भी जो आज की डेट में कैरियर है वो भी काफी अच्छा है। बात करें साथियों नाइन्थ कैरियर ऑप्शन की, तो नाइन्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी अलग अलग ब्रांचेस से आप कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक में सीएस से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं,
सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, या फिर आप अपना शॉर्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स करके भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे आप डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन है जिनको करके आप अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट कोर्स है वो है आपका बीए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, या आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है, या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, तो फिर आपके पास एक ही कोर्स है, वो है आपका बीए। क्योंकि बीए के साथ साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बीए में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, ज्यादा स्टडी करनी नहीं पड़ती है, उसके साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। वही एक ऐसा कोर्स है जिसके साथ साथ आपको समय मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मन है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीए कर सकते हैं। और बीए करने के बाद में जैसे आपका बीए कंप्लीट होगा तो जो ग्रेजुएशन लेवल के गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। तो साथियों आपको 10 जो मैंने करियर ऑप्शन बताए, कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको और किसी कोर्स के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।